हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है काइजन इनोवेशन यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि आप किसी के भी फ़ोन की कॉल डिटेल्स और एसएमएस डिटेल कैसे निकाल सकते हैं एक ऐप की मदद से। वो ऐप का नाम क्या है, आप कहां से उसको डाउनलोड कर पाओगे, वो हम सब वीडियो के अंत में बताएंगे। तो शुरू से एंड तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का नया ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों ये मज़ेदार जो ऐप है उसका नाम है A2PDF। दोस्तों आप देख, जैसे इसको इंस्टॉल करोगे यहाँ पे टोटल 6 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये ऐप टोटली 6 या 7 MB की है। आप जेंडर थ्रू भी किसी के मोबाइल में डाल सकते हो, ब्लूटूथ थ्रू आप किसी के मोबाइल में डाल सकते हो। और ये कैसे वर्क करेगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे यहाँ पे टोटल 6 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको अगर कॉल डिटेल निकालने तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल कॉल लॉक्स, आपको यहाँ पे करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे दो फिल्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक यहाँ पे डेट फिल्टर है और यहाँ पे टोटल अलग 4 फिल्टर है। इसमें कॉल लॉक डिटेल्स है, ओनली डायल, ओनली रिसीव कॉल्स एंड ओनली मिस्ड कॉल। दोस्तों कॉल लॉक डिटेल्स, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें दोस्तों किसी ने मिस कॉल किया है या आपने रिसीव किया है या आपने डायल किया, वो सब जितने भी डिटेल्स होगी सब इस कॉल लॉग डिटेल्स में आ जाएगी। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसमें ओनली डायलेड कॉल्स, मतलब आपने किसी को फ़ोन किया है या फिर आपने किसी को रिसीव किया है कॉल या फिर आपने किसी को मिस कॉल किया है या सामने वाले ने आपको आपके फ़ोन पे किसी ने मिस कॉल किया है, वो सब डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ कि भाई मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन बता दे किसने किसको कॉल किया वगैरह जो भी है। और यहाँ पे दोस्तों डेट फिल्टर में जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा इस तरह का एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा जहाँ पे सैटरडे 6 अप्रैल 2019 की डेट दिखा रहा है। तो मेरे को भाई एक दिन की नहीं, मेरे को तो 3-4 महीने की पूरे कॉल डिटेल्स निकालने हैं। तो मैं इसको थोड़ा पीछे चले जाता हूँ, फर्स्ट जनवरी 2019 से मैं अभी तक की जितने भी कॉल डिटेल्स है, मैंने कितने कॉल किए, रिसीव किए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डन बटन पे करता हूँ क्लिक। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉल लॉग डिटेल्स पे क्लिक किया हुआ था, डेट फिल्टर भी सेट हो गया। अभी यहाँ पे मेरे को एंटर आउटपुट फाइल नेम, यहाँ पे मुझे फाइल नेम, जिस नेम से मुझे फाइल सेव करवानी है वो नाम यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। तो मैं यहाँ पे अभी test_new लिख देता हूँ, एक्सपोर्ट टू PDF पे कर देता हूँ क्लिक। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दोस्तों प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया है। जैसे प्रोसेस होगा कंप्लीट दोस्तों यहाँ पे WPS ऑफिस, दोस्तों ये जो बॉक्स है ये शायद आपके मोबाइल में ना भी आए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जहाँ पे वो फाइल आपने सेव करवाई है वहाँ पे डाउनलोड में जाके एक ऑप्शन होगा, वहाँ से आप वो आप देख सकते हो। मेरे में दोस्तों ऑलरेडी बहुत सारी ऐप डाली हुई है, तो मैं कोई भी ऐप जैसे ही मैं अपने मोबाइल में डाउनलोड करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि मुझे ये ऐप, जो भी फाइल मैंने डाउनलोड की है वो कौन सी ऐप में मुझे ओपन करना है। तो यहाँ पे WPS ऑफिस में मैं ओपन कर देता हूँ। शायद दोस्तों ये ऑप्शन शायद आपके फ़ोन में ना आए, तो आप पर्टिकुलर जहाँ पे आपने डाउनलोड करके रखी है फाइल वहाँ पे जाके आप उसको, आपके मोबाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर होगा PDF वाला, उसमें ओपन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे WPS ऑफिस में करता हूँ मैं ओपन। जैसे मैं ओपन करता हूँ दोस्तों यहाँ पे नेम आ जाते हैं, ये नेम वो हैं दोस्तों जो आपके मोबाइल में सेव हैं। अगर आपके मोबाइल में वो नंबर सेव नहीं होगा तो उसका मोबाइल नंबर प्रिंट होगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाते हैं, यहाँ पे पूरा टाइम आ जाता है कि भाई ये इस टाइमिंग को कॉल किया गया था या इस टाइम में कॉल रिसीव किया गया था या इस टाइम पे मिस कॉल आया था। यहाँ पे पूरी ड्यूरेशन डिटेल मिल जाती है और यहाँ पे टाइप मिल जाता है भाई रिसीव किया है कि डायल किया है कि जो भी किया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सेम थिंग अगर आपको SMS में करना हो तो SMS में भी इस तरह से ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि ये ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो सिंपल बात है दोस्तों, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ये ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों मे बी ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके डाउनलोड के लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मदद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू गाइज टू वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।